भारत पाकिस्तान एलओसी लाइन पर शहीद हुए गुमला के संतोष गोप का पार्थिव शरीर सोमवार शाम रांची पहुंचा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सेना के अधिकारी, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, सुदर्शन भगत, रांची के डीसी सहित कई लोगों ने शहीद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा परिसर गमगीन और मातम भरा था। स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के लाल की कुर्बानियों को सलाम कर रहे थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लोगों में भारत के लाल के जाने का गम जरूर था, लेकिन सीमा भी चौड़ा हो रहा था कि भारत की रक्षा करते हुए झारखंड का शहीद ईश्वर को प्यारा हो गया। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह बहुत दुख भरी घड़ी है और हमारा जवान अपनी जबाजी दिखाते हुए शहीद हुआ है। हमें गर्व है ऐसे जवानों पर और देश के लाल पर। झारखंड ब्यूरो आशुतोष कुमार रंजन की खास रिपोर्ट। झारखंड के लाल जो गुमला के रहने वाले थे और कश्मीर बारामूला में पोस्टेड थे, सिग्नलमैन के रूप में वो काम करते थे। 2012 में पोस्टिंग हुआ था उनका। वो कश्मीर घाटी में पाकिस्तानों पाकिस्तान सैनिक के साथ मुठभेड़ में वो घायल हो गए, बाद में वो शहीद हो गए। शहीद होना गर्व है आप जो बोले, लेकिन हम शहीद नहीं चाहते। हम जीत के आने के लिए इनको भेजे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो देश के लिए शहीद हो गए। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुख की और क्षति की बात है, देश और राज्य के लिए। ये केवल परिवार उनके परिवार की क्षति नहीं है, देश की और राज्य की क्षति। उनके परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनके परिवार को शक्ति दे और जो भी गवर्नमेंट के तरफ से उनको सहयोग प्रोविजन के अनुसार दिया जाएगा। और ये शहादत देश जो जरूर याद रखेगा और उसके लिए जो कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट जरूर करवाएगी।